प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जाना है कि एक ब्रावेस लेटिस लेटिस पॉइंट्स का ऐसा सेट होता है जिसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं द लेटिस लुक सेम वन व्यूड फ्रॉम एनी लेटिस पॉइंट ब्रावेस लेटिस को किसी भी पॉइंट से देखने पर लेटिस सेम दिखाई देनी चाहिए सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ब्रावेस लेटिस में सभी लेटिस पॉइंट्स के पोजिशन वैक्टर्स को ट्रांसलेशनल वैक्टर्स से डिफाइन किया जा सकता है और थर्ड प्रॉपर्टी है कि एक ब्रावियस लेटिस में प्रेमेटिव वेक्टर्स यूनिक नहीं होते हैं बल्कि यह हमारी चॉइस पर डिपेंड करते हैं लेकिन सभी लेटिस ब्रावियस लैटिस नहीं होते हैं। जैसे हनी कॉम लैटिस ग्रेफीन का स्ट्रक्चर एक हनीकॉम लैटिस का है हालांकि ग्रेफीन में सभी एटम्स कार्बन के ही होते हैं फिर भी अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो पाते हैं कि यह स्ट्रक्चर ब्रावियस लैटिस की एक प्रॉपर्टी को फुलफ़िल नहीं करता है वो ये कि यह लेटिस सभी लेटिस पॉइंट से सेम नज़र नहीं आती है जैसे दो लेटिस पॉइंट P और Q को देखें तो लेट्स पॉइंट P के राइट right साइड में H डिस्टेंस पर एक लेटिस पॉइंट है लेकिन लेफ्ट में नहीं वहीं लेटस पॉइंट Q के लेफ्ट साइड में H डिस्टेंस पर लेटस्ट पॉइंट है लेकिन राइट right में नहीं क्लियर है कि सभी लेट्स पॉइंट से लेटिस सेम अपीयर नहीं होता है इसलिए यह स्ट्रक्चर एक नॉन ब्रावियस लेटिस कहलाता है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यह माना जाता है कि हनीकॉम लेटिस मोनो एटोपिक ना होकर डायाटोमिक होते हैं मीन्स दो अलग अलग तरह के कार्बन एटम का बना हुआ जिनका यूनिट सेल हेक्सागन है ऐसा करने पर वापस से लेटिस पॉइंट पी और क्यू पर ध्यान दें तो अब लेटिस किसी भी लेटिस पॉइंट से सेम नज़र आती है ब्लू लेटिस पॉइंट पी के राइट साइड में रेड लेटिस पॉइंट है लेफ्ट में नहीं यही बात सभी ब्लू लेटिस पॉइंट्स के साथ है इस तरह अब इसे एक ब्रावेस लेटिस कहा जा सकता है जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जाना है कि बेसिस वेक्टर्स किसी लैटिस में एक बेसिस के रिस्पेक्ट में दूसरे बेसिस के लोकेशन को बताता है अगर हम ब्लू लैटिस पॉइंट को ओरिजन पर माने तो इसका बेसिस वेक्टर जीरो जबकि रेड बेसिस का ब्लू बेसिस के रिस्पेक्ट में पोजीशन एच आई कैप होगा वहीं बात करें प्रेमेटिव वैक्टर्स की तो प्रेमेटिव वैक्टर्स दो सेम एटम्स या लेटिस पॉइंट्स को डिफाइन करता है आर लेटिस पॉइंट एक रेड कलर का लेटिस पॉइंट है तो इससे B1 और B2 डिस्टेंस पर सेम यही लेटिस पॉइंट्स अपीयर हो रहे हैं इसलिए B1 और B2 इस लेटिस के प्रेमेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं इन दोनों प्रेमेटिव वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए एक हेक्सागनल फेस लेते हैं इस हेक्सागन के साइड की लेंथ एच और सभी एंगल्स 120 डिग्री के हैं एक हेक्सागन में दो डायगोनल होते हैं डायगनल ए शॉर्टेस्ट डाइगनल है जबकि बी लॉन्गेस्ट ट्राइंगल ए बी सी पर ध्यान दें तो ट्रिग्नोमेट्री से इस ट्राइंगल के डायगनल का स्क्वायर इस रिलेशन से दिया जाएगा इसे सॉल्व करने पर शॉर्टेस्ट डाइगनल की लेंथ रूट थ्री एच आती है इसी तरह लॉन्गेस्ट डाइगनल की लेंथ टू एच आती है अब इस लेटिस के प्रेमेटिव वैक्टर्स डिफाइन करें तो बी वन जो रूट थ्री एच है को कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो हमें बी वन वैक्टर रूट थ्री ए कॉस थर्टी आई कैप प्लस रूट थ्री ए कॉस सिक्सटी जे कैप मिलता है जिसे सॉल्व करने पर हमें बी वन प्रेमेटिव वैक्टर मिल जाता है इसी तरह बी टू प्रेमेटिव वैक्टर को डिफाइन करते हैं यहाँ एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यह तरीका डायाटोमिक हनीकॉम लैटिस पर तो एप्लीकेबल है लेकिन ग्रेफीन में तो सिर्फ कार्बन एटम्स ही हुए फिर यह तरीका ग्रेफीन पर एप्लीकेबल कैसे होगा एक्चुअल में ग्रेफीन के हनीकॉम स्ट्रक्चर में कार्बन को भी अलग अलग माना जाता है जिससे उनमें ट्रांसलेशनल सिमेट्री बनी रहे अब बात करते हैं इस लैटिस के प्रेमेटिव सेल की जैसा कि हम जानते हैं एक प्रेमेटिव सेल में नंबर ऑफ एटम्स का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन वन होना चाहिए यह मिनिमम वॉल्यूम का सेल होना चाहिए साथ ही इनके रिपीटेशन से एंटायर क्रिस्टल फॉर्म होना चाहिए बिना किसी ओवरलैपिंग के और बिना किसी वैकेंट स्पेस के ग्रेफीन के हनीकॉम लैटिस में माना जाता है कि यह दो अलग अलग तरह के कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है इसलिए हमने इसे दो अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है अब अगर हम इस तरह का सेल ड्रॉ करें तो पाते हैं कि इस सेल में किसी एक तरह के एटम का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन वन है साथ ही इनके रिपीटेशन से एंटायर क्रिस्टल को फॉर्म किया जा सकता है यह एक हनी लैटिस का प्रेमिटिव सेल कहलाता है